गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं फटाफट से उठ गया हूँ और जल्दी से रेडी होने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है आज घर में दो दो फंक्शन हैं। बुआ जी के बेटे की भी शादी भी है और जो भैया के बेटी ही है उसकी इंगेजमेंट भी है, तो दोनों ही फंक्शन में मुझे जाना है। और फिर फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, मैं मिलता हूँ बस आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि बुआ जी की जो बेटे की शादी है वो यहाँ पास ही में ही है, तो पहले वहाँ पे अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नोएडा, फिर चलते हैं सोना के पास और वहाँ पे एंगेजमेंट में करते हैं काफी मजे। तो फटाफट से रेडी हो जाता हूँ मैं देरी ना करते हुए। फाइनली हो चुके हैं रेडी एकदम, और अभी भी आ गया है, अभी भी एकदम रेडी हो चुका है। तो कैसे लग रहे हैं हम सब? और अभी तो हो रखा है गुलाबी, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है, गुलाबी गुलाबी हो रहा है, मास्क भी मैचिंग का ले रखा है लोंडे। तो ये किट्टू दीदी ये भी रेडी हो चुकी हैं, तो चलते हैं फिर। हम रेडी हो चुके हैं, अब डन थोड़ा सा डांस करेंगे ढोल के आगे तो। और घर से निकल रहे हैं, वहीं बारात है सामने बिल्कुल। हाँ तो बारात सामने ही है मंदिर पे, तो बस मंदिर पे चल रहे हैं फटाफट से और फिर दिखाते हैं। अपना भाई घोड़ी चढ़ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है शादी में। और मैं तो फिर दो दो जगह जाने वाला हूँ, आपको तो पता ही है, पहले यहाँ पे भी उसके बाद फिर मुझे निकलना है, तो फिर चलते हैं यहाँ पे शामिल होते हैं फिर चलेंगे उधर के लिए। माधव का लुकिंग हो रहा है एकदम बिल्कुल ऑसम। माधव तो फिर चल रहे हैं, बस में बैठते हैं और वेन्यू पे चलते हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे जाना है पीरागढ़ी, तो घर को लॉक वगैरह कर दिया है, सारे लोग यहीं वेट कर रहे हैं, बस आ रही है, फिर वेन्यू पे चलते हैं। रॉयल पेपर में है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, फिर मैं वहाँ पहुँच के थोड़ी देर बाद वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करके फिर मैं निकल जाऊँगा नोएडा के लिए। रेडी होकर खड़े हैं, बस यहीं पे आ रही है, फिर चलते हैं यहाँ से बस में। और ये अपना माधु, माधु लोंडा गजब डा रहा है आज, ये स्माइल। तो यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं, तो ढोल वगैरह बजने लगे हैं और ये पीछे बग्घी है मेरे, तो फिर चलते हैं और बारात यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर बारात जाएगी यहाँ से सामने क्योंकि रॉयल पेपर पे, तो यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करके फिर मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी जाने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे भी फंक्शन दिन का ही है, तो फिर थोड़ी देर में चलते हैं और बारात को थोड़ा एंजॉय करते हैं। शानदार है और अंदर चल के देखेंगे, फिर फटाफट से मैं निकलूंगा यहाँ से, तो चलते हैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसे है। अच्छा लग रहा है काफी, डेकोरेशन वगैरह भी अच्छी है यहाँ की। तो इस टाइप की यहाँ पे थीम बनी हुई है जो कि देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पीरागढ़ी में रॉयल पेपर, ये बैंकट है, ये सिटिंग वगैरह सामने वीडियो वगैरह। तो मैं और अभी अंदर आ गए, तो थोड़े से मजे ले लेते हैं मैं और अभी, तो अभी बारात बाहर नाच रही है, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी तो हम अंदर आ गए, थोड़े से मजे लेते हैं, जब ये एंट्री पे आ जाएगी तो चलते हैं। और मुझे आपको दिखाना भी था बैंकट कैसा है, तो इसलिए मैं अंदर आया था, क्योंकि कुछ टाइम से फिर शोर हो जाएगा, डीजे वगैरह तेज लाउड हो जाएगा, तो दिखा दिया मैंने बैंकट आपको, बहुत ही प्यारा बैंकट है। अब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बस थोड़ी देर में। अच्छी लोकेशन है यहाँ की, मुझे बहुत ही प्यारा है, मज़ा आ गया, शानदार है। तो फिर अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको सीधा नोएडा में। तो पहुँच गया हूँ मैं अपने भाई के पास और यहाँ पे जो कि सोना की हमारी इंगेजमेंट हो रही है, तो पहुँच चुके हैं और करते हैं यहाँ पे आप आएंगे मज़े, क्योंकि वहाँ पे इतना खैर थे भाई वगैरह तो मेरे सारे यहीं थे, दिल तो मेरा यहीं था,
अब करते हैं मजे, कुनाल भी मिल गया है, कैडी वाली खेचने वाली है, अंदर एंट्री कर रहे हैं। अंदर एंट्री कर चुके हैं हम, यहाँ पे हो रहा है बहुत ज्यादा शोर। इधर से एग्जिट रशियन ढोल बंगा रखा हमने।